अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए एक ही संकल्प में अपने आप को टिकाएं। मैं एक महान आत्मा हूं। मुझ आत्मा का जन्म श्रेष्ठ कार्यों के लिए हुआ है। गहराई से अपने आप को ये विचार देंगे, मुझ आत्मा का जन्म
श्रेष्ठ कार्यों के लिए हुआ है। मैं इस सृष्टि नाटक मंच पर हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा शुभ भावना शुभ कामना संपन्न हूँ। अपने मन को पावरफुल विचार दें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। सर्वशक्तियों और गुणों का भंडारी शिव बाबा सर्वशक्तिवान जो इस संसार में सबसे ऊंची सत्ता है, मैं उनकी संतान हूँ। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य भगवान का बनना इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। जिस भगवान को प्यारे शिव बाबा को पाने के लिए मंदिरों में मस्जिदों में गुरुद्वारों में चर्च में और तीर्थों पर जा जाकर ढूंढा, इतने धक्के खाए, सब जगह उस प्यारे प्रभु की खोज की, लेकिन वो नहीं मिले। मैं आत्मा थक चुकी थी, उस परमात्मा को ढूंढ ढूंढ कर और मन ही मन कहती थी, हे प्रभु आप कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, अब तो मुझे दर्श दिखा दो। और समय बीता, परम पिता ने
मेरी पुकार सुनी, मेरे मन की आवाज सुनी, आखिर वो दिन भी आया जब स्वयं सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम प्यारे बाबा ने, मीठे बाबा ने मुझे अपनी गोद का बच्चा बनाया। मुझ आत्मा का उस परमात्मा से यह रूहानी स्नेह मिलन कितना प्यारा और विचित्र मिलन है। मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए, लेकिन यह रूहानी मिलन संगम पर ही हुआ है। यह मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन सर्व अनेक प्रकार की परेशानियों से दूर करने वाला है। महसूस करें, मुझ आत्मा का मिलन उस परम पिता परमात्मा से हुआ है। रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला ये मिलन है। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। यह परमात्म मेला
मिलन सर्व संबंधों के अनुभव का मिलन मेला है। इस अनुभूति को अनुभव करने वाली मैं पात्र आत्मा कोटों में कोई में भी कोई हूँ, कितना रूहानी नशा है ये। मैं आत्मा सदा परमात्म लव में लवलीन रहने वाली हूँ। इसीलिए सर्व हद के आकर्षणों से मैं आत्मा दूर हूँ। जीवन मुक्त हूँ। मैं आत्मा कर्म योगी आत्मा हूँ। मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूँ। हर कर्म करते हुए बाबा मेरे साथ है। हर कर्म में साथ होने के कारण मुझ आत्मा को एक्स्ट्रा मदद मिलती है। क्योंकि एक से दो हो गए तो मेरा हर कार्य सहज हो जाता है। कार्य भले कितना भी मुश्किल हो लेकिन बाप की मदद है ही। सदा उमंग उत्साह हिम्मत देने वाली महसूस करें बाबा के साथ को। तो ये मेरा कर्म योगी जीवन डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन है। बाबा के प्यार में मुझे आत्मा को कोई मुश्किल व थकावट महसूस नहीं होती है और मुझे आत्मा को हर कार्य में सफलता मिलती जाती है। क्योंकि जहाँ परमात्म हिम्मत है
मदद है, वहाँ निमित बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। और हर कार्य करते हुए मुझ आत्मा का सदा एक ही संकल्प रहता, नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही ब्रह्मा बाबा भी कर्म योगी बने, अपने को करनहार समझा, कर्म किया, करावन हार नहीं समझा। करावन हार बाबा को समझने से जिम्मेवारी पाप की हो जाती है और मैं आत्मा भी कितने भी कार्य करूं, कैसा भी कार्य करूं, हल्की हूं, संतुष्ट हूं, मुझ आत्मा के ऊपर परमात्म प्यार की छत्र छाया है। मैं उनकी छत्र छाया में पल रही हूं, उनके प्यार की पात्र मैं आत्मा अति सौभाग्यशाली हूं। मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा हूं। प्यारे बाबा ने मुझे वरदान दिया, बच्चे एक वर्ता भव, जहां एक है वहां एकाग्रता स्वतः है। जिससे मैं आत्मा अचल अडोल बन रही हूं, एक वर्ता बनने से एक मत पर चलना सहज हो रहा है। मुझ आत्मा के लिए, मुझ आत्मा की एक रस स्थिति बन रही है। प्यारा बाबा मुझे पुचकार दे रहे हैं, लाड प्यार दे रहे हैं,
और बोल रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम वही कल्प पहले वाले बच्चे हो। सिके लधे बच्चे हो तुम बच्चे, मेरे सिर के ताज हो, मेरे नैनों के नूर हो। तुम बच्चे मेरी आशाओं के दीपक हो, और मैं प्यारे बाबा के चेहरे की मुस्कान को देखकर, उनके प्यार भरे बोल सुनकर गदगद हो रही हूँ। ये सच्ची खुशी मुझ में उमंग और उत्साह का संचार कर मुझे आनंद की अनुभूति करा रही हैं। कितना सुंदर अनुभव है यह, महसूस करें, गहराई से महसूस करें। बाबा के प्रति मेरा ये रूहानी स्नेह मुझे बाबा के अति समीप लेकर जा रहा है। उनकी प्यार भरी दृष्टि मुझे आत्मा को सर्व शक्तियों से सजा रही हैं। मेरा श्रृंगार कर रही हैं। मेरे संकल्पों में, बोल में, कर्म में, रूहानियत आती जा रही है। मुझे आत्मा के रूहानी संकल्प मुझ में शक्ति भरने वाले हैं और अन्य आत्माओं में भी शक्ति भरने वाले हैं। मुझ आत्मा के ये रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बन रहे हैं। मेरे रूहानी बोल
स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव करा रहे हैं, शांति का अनुभव करा रहे हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन रहा है। मुझ आत्मा के रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। और मैं आत्मा दूसरी आत्माओं के आगे कर्म योगी की सैंपल बन रही हूँ। जो भी आत्माएं मुझ आत्मा के संपर्क में आ रही हैं, वो आत्माएं सहज योगी और कर्म योगी जीवन का अनुभव कर रही हैं। मुझ आत्मा के संपर्क में आने से ये आत्माएं हल्केपन का अनुभव कर रही हैं, शांति का अनुभव कर रही हैं। उनका हर कर्म, हर बोल, संकल्प सहज होता जा रहा है। ओम शांति शांति शांति। मन में बसा है बाबा मेरे।
जब